हेलो फ्रेंड्स, सो इस वीडियो में हम लोग देखिए क्वेश्चन है एंथ डिफरेंशियल कोफिशियंट ऑफ e का पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए y हमारा y क्या मान लेंगे, e का पावर ए एक्स प्लस साइन बी एक्स प्लस सी, ये हमारा y है। ठीक, अब जब हम लोग पहला बार इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो कैसे करेंगे, आप लोग को एक फार्मूला मालूम होगा। चलिए हम लोग इसको पहला बार डिफरेंशिएशन करते हैं, और इधर मैं आपको मैं फार्मूला लिख देता हूँ। जैसे y इक्वल टू u v का क्या हो जाता है, पहले हम लोग u को रख कर किसका v का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक, x के रिस्पेक्ट में। उसके बाद प्लस v को रखेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, x के रिस्पेक्ट में। तो इसी फॉर्मूला की मदद से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। मान लीजिए ये क्या है, u है, और ये वाला v है। ठीक, ये क्या है, u है, ये वाला v है। तो चलिए अब हम लोग पहले क्या करेंगे, e x को ऐसे ही चुपचाप छोड़ देंगे, रख देंगे, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन का आपको भी मालूम है कॉस, और बी एक्स प्लस सी, और यहाँ से b बाहर निकल जाएगा एक ठो, और अब क्या करना है कि प्लस, फिर प्लस करेंगे, और फिर साइन बी एक्स, जो भी है इसको पूरा यहाँ पर छोड़ देंगे, साइन बी एक्स प्लस सी इसको छोड़ दिए। अब ई एक्स को जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, e का पावर ए एक्स, और यहाँ से एक a बाहर निकल जाएगा, कहाँ यही लिख देते हैं, एक बाहर निकल गया। थोड़ा सा और इधर लेकर चलेंगे इस पर। अब क्या होगा, इसमें से कुछ कॉमन निकल जाएगा। हाँ, क्या निकल जाएगा, देखिए ई ए एक्स ये कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर क्या बच जाएगा, कॉस बी एक्स प्लस सी बी, इधर में साइन बी एक्स प्लस सी ए, ये बच जाएगा यहाँ से ई एक्स, ई ए का पावर ए एक्स, यहाँ से ई का पावर ए एक्स, ये दोनों हम लोग क्या किए, कॉमन ले लिए हैं बाहर में। ठीक, अब इसमें देखिए, अब इसके पास क्या है, कॉस बी एक्स प्लस सी और इंटू में है बी, प्लस इधर में साइन बी एक्स प्लस सी इंटू में है ए। तब हम लोग को यहाँ पर एक काम करना होगा, आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा, जैसे कि साइन ए प्लस बी, ये फॉर्मूला मालूम है, इसका क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला मालूम है ना, ये 11th 12th का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं लेट, यहाँ पर बी जो है ना, b के जगह पे यहाँ पे हमको क्या चाहिए, साइन में चाहिए था, तो b के जगह यहाँ क्या करेंगे, साइन वाला ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ b cos bx, मतलब cos यहाँ पर cos b अवेलेबल है, cos b अवेलेबल है, तो b के जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, r साइन थीटा। अब यहाँ पर एक जगह पे यहाँ देखिए a है ना, यहाँ पर साइन bx मतलब साइन का साइन b अवेलेबल है, तो cos a लाना होगा, तो cos a यहाँ पर क्या डाल देंगे, cos थीटा। देखिए देखिए अभी आराम से समझिएगा, अभी यहाँ पर हम लोग जो भी लिखे अब यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे अंदर में, पुट कर देंगे e का पावर a x cos b x प्लस c, और ये जो b है यहाँ पर क्या पुट करना है हम लोग को, और आर कॉस थीटा होगा, यहाँ पर क्या पुट करना है, आर साइन थीटा प्लस साइन बी एक्स प्लस सी, और इंटू में क्या कर देंगे अब, आर कॉस थीटा। ये यही फॉर्मूला है, बस क्या हुआ, ये साइन ए जो इधर था देखिए, ए ऐसे मैच कर रहा है, साइन ए कॉस बी, वही कॉस ए और साइन बी, साइन के साथ थीटा, जो कि अगला बार कॉस के साथ थीटा था,
ठीक है, ये चीज मैच कर रहा है। अब हम लोग इसमें कुछ और करेंगे क्या, एक मिनट, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस से जाएगा। यहाँ पर ही अब हम लोग को क्या करना होगा, इसमें से एक और चीज़ कॉमन निकालना होगा। क्या है वो है आर, आर को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, कॉस बी एक्स प्लस सी और साइन थीटा प्लस में कॉमन कैसे ले पा रहे हैं, देखिए ये इनटू में इसलिए हम कॉमन ले पा रहे हैं बाहर में, ठीक है, साइन बी एक्स प्लस सी और कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ से आर कॉमन चला गया है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये आर को बाहर निकाल देंगे, ई के साथ कर देंगे, ए एक्स इंटू आर और कॉस बी एक्स प्लस सी और यहाँ साइन थीटा, मतलब ये जो है हमारा क्या है, ये हमारा इधर ही से मान लीजिए ए ए है, कॉस ए साइन बी, ये बी है ठीक, थीटा बी है, और इधर में क्या हो जा रहा है साइन ए, साइन के साथ ये फिर ए है और कॉस बी थीटा बी है। ठीक, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला है, यहाँ पर ये फॉर्मूला को देखिए, फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, ये हमारा पहला डिप्रिसिएशन हो गया। अब हम लोग दूसरा डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो क्या होगा, e के पावर ए एक्स, एक मिनट में पहले से क्वेश्चन को फिर से रिकॉल कर देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या था, e का पावर ए एक्स, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या आ रहा है, e के पावर ए एक्स आर साइन, लेकिन r यहाँ पर नहीं है, केवल यहाँ पर यह साइन बी एक्स प्लस सी और थीटा नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या क्या हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है, एक बार डिफ्रेंशिएशन करने पर आर और थीटा, ठीक यही दोनों एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो अब हम लोग जब दूसरी बार इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या एक्स्ट्रा हम लोग करेंगे, ई का पावर ए एक्स, जब आर एक बार डिफ्रेंशिएशन करने पर एक तो आ रहा है तो दूसरा बार डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या आएगा, दो, अगर हम लोग को पूरा फिर से प्रोसेस इतना चलाना पड़ जाएगा इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक, फिर साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थीटा, थीटा एक बार डिफ्रेंशिएशन करने पर एक तो दो बार पर टू थीटा, ठीक, इसको यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। अब हम लोग तीसरा बार जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, e का पावर ए एक्स आर का स्क्वायर और फिर ये क्या, सॉरी आर क्यू हो जाएगा, साइन बी एक्स प्लस सी प्लस थ्री थीटा। ठीक, अब यहाँ पर ही हमको वाई एन निकालना है, अब आराम से निकल जाएगा वाई एन, देखिए वाई एन निकल जाएगा, वाई एन ई का पावर ए एक्स आर का पावर एन, क्योंकि हम लोग को एन बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, साइन बी एक्स प्लस सी प्लस एन थीटा, क्योंकि एन बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।